हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, होप ऑल आर फाइन एंड हैविंग अ गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टडी, देयर वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द चैप्टर फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन हैड बीन कंप्लीटेड स्टडी, विच वॉज ऑन पेज नंबर 2। ओके, वेयर वी वर रीडिंग अबाउट दैट वैन एवर द ट्रेन स्टॉप्स, ओके, टू हिज जर्नी। सो पीपल, व्हाट द पीपल डू, पीपल क्या करते थे, पीपल जो हैं वो रिफ्रेशमेंट को लेना स्टार्ट कर देते हैं, रिफ्रेशमेंट को लेना वो स्टार्ट कर देते। ओके स्टूडेंट्स, सो वी वर रीडिंग, दे हैव फन बाय लॉफिंग एंड स्क्रीमिंग अलाउड एज सून एज द ट्रेन एंटर्स द डार्कनेस ऑफ अ ट्यूनल। ठीक है, मीन जैसे ही जो ट्रेन है वो ट्यूनल की तरफ मूव करती है डार्कनेस में, तो जो भी पीपल वहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो सारी स्क्रीमिंग करने लगते हैं, लाउडली स्क्रीमिंग करते हैं जब ट्रेन एंटर करती है। और आफ्टर दैट सम टाइम ट्रेन स्टॉप्स ऑल्सो एंड देर आर मेनी स्टॉप्स फॉर रिफ्रेशमेंट। मीन्स बहुत सारी जो ट्रेन है, टॉय ट्रेन जो है जो कि आपकी ऊटी तक जाती है, वहाँ वो रुकती है बहुत सारे पीपल लोग के लिए, उनके रिफ्रेशमेंट के लिए, वेयर पैसेंजर्स कैन गेट आउट, जहाँ पे पैसेंजर्स जो हैं वो नीचे उतरते हैं। ठीक है, वो बाहर आते हैं, आउटसाइड आते हैं ट्रेन से, और जो भी रिफ्रेशमेंट की चीज़ें होती है वो टेकआउट करते हैं, वो लेते हैं। ठीक है ना, वो ईटिंग करते हैं। सो लेट्स कम ऑन दी नेक्स्ट पेज नंबर, विच इज़ यू हैव पेज नंबर 3। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू टेक आउट द पेज नंबर 3, सारे लोग पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज नाउ विल स्टार्ट द रिविजन विद द एक्सरसाइजेस। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड, पहले हम रीडिंग करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम हियर, इन्जॉय द व्यूज एंड द वाइल्ड लाइफ, पीपल आर वेरी हैप्पी टू चूज फ्रॉम द वैरायटी ऑफ वेरी हॉट कप्स ऑफ टी अवेलेबल। समटाइम्स द ट्रेन स्टॉप फॉर अदर रीजन्स लाइक अ फॉलन ट्री ऑन ट्रैक और एन एलिफेंट ब्लॉकिंग द वे। Passengers can lean out of the windows to pick wildflowers on those stops. Throughout the journey, they click pictures of the beautiful scenery. The toy train to Ooty has been part of many films and documentaries. A famous song from the movie Dil Se, which was pictured on well-known actor Shah Rukh Khan, was filmed on this train. About 5 lakh people travel every year in this train. Many people say that it seems like not much has changed on this route over the past 100 years, and the scenery is as lovely and exciting as ever. A ride in the toy train to Ooty is the best way to discover the timeless beauty of this area. Okay students, now it was the reading of this page number, so let's start to read. Okay, sorry, let's start to explain and understand to this page number. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग आपके साइड में है, अवेलेबल नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्रीज नेक्स्ट टाइम डेज, अवेलेबल समथिंग रेडी फॉर यूज और फॉर बॉइंग। ओके, अवेलेबल मीन्स समथिंग रेडी फॉर यूज और फॉर बाइंग, मीन्स कुछ चीज़ें अवेलेबल होना, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज मीन्स अ फिल्म ऑन अ टॉपिक और सब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट्रीज होती है एक फिल्म होती है जो कि एक टॉपिक पे होती है, कोई उसकी सब्जेक्ट होती है। नेक्स्ट है टाइमलेस, एजलेस, नॉट इफेक्टेड बाय चेंज इन टाइम। टाइमलेस मीन्स एजलेस, ठीक है ना, जो कि इफेक्टेड नहीं होती है चेंज इन टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्जॉय द व्यूज एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स जो भी पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर आते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, तो वो इन्जॉय करते हैं, व्यूइंग करते हैं, जो भी सराउंडिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पे सराउंडिंग है ना, ये सारी चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हैं, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल ये सारी चीज़ें दिख रही हैं ना। तो इनको क्या करते हैं, इनको वो लोग व्यू करते हैं, देखते हैं एंड दी वाइल्ड लाइफ, और जो भी जंगली जानवर हैं और जो भी वाइल्ड लाइफ है उन सबको क्या करते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, पीपल आर वेरी हैप्पी टू चूज फ्रॉम द वैरायटी ऑफ वेरी वेरी हॉट
कप्स ऑफ टी अवेलेबल। और पीपल जो हैं वेरी हैप्पी, वो बहुत ही हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं टू चूज़ फ्रॉम द वैरायटी ऑफ वेरी हॉट कप्स ऑफ टी अवेलेबल। और जो भी टी वहाँ पे अवेलेबल होती है, हॉट कप्स टी जो अवेलेबल होती है, उसकी वैरायटी को वो देखते हैं, उसको चूज़ करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। सम टाइम द ट्रेन स्टॉप फॉर अदर रीज़न, और कभी कभी ऐसा होता है ट्रेन जो है वो अदर रीज़न के लिए भी रुकती है, जैसे लाइक अ फॉलन ट्री, जैसे सम टाइम अगर कोई ट्री फॉल हो गया है, गिर गया है, उसलिए उसके लिए रुकती है। ऑन ट्रैक्स और एन एलिफेंट ब्लॉकिंग द वे, आर इफ एनी एलिफेंट इज़ देयर दैट इज़ ब्लॉक द वे, रास्ते को एलिफेंट ने ब्लॉक कर दिया, स्टैंड हो गया है, उसके लिए ट्रेन जो स्टॉप हो जाती है। पैसेंजर्स कैन लीन आउट ऑफ द विंडोज टू पिक वाइल्ड फ्लावर्स ऑन दोज स्टॉप्स, और पैसेंजर्स हैं वो कर सकते हैं विंडोज से, वो देख सकते हैं विंडोज से, टू पिक वाइल्ड एनिमल ऑन द स्टॉप, वो अपने विंडो से जो भी वाइल्ड एनिमल वहाँ पे रहते हैं, स्टॉप रहते हैं, रुके रहते हैं, वो उनको देख सकते हैं, कहाँ से, अपने विंडो से। थ्रू आउट द जर्नी दे क्लिक पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल सीनरी, और इस तरह से वाइल्ड ट्रैवलिंग ओके टू द ऊटी ओके दे क्लिक पिक्चर, वो क्या करते हैं ट्रेन के इनसाइड से ही पिक्चर को क्लिक करते हैं ऑफ द ब्यूटीफुल सीनरी, इन सारे जो भी ब्यूटीफुल सीनरी है ना उसकी पिक्चर को क्या करते हैं वो क्लिक करते हैं, और इन सारे ब्यूटीफुल सीनरी की पिक्चर को क्लिक करके अपने उसके साथ इंजॉयमेंट करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टॉय ट्रेन टू ऊटी हैज़ बीन पार्ट ऑफ मेनी फिल्म, टॉय ट्रेन जो है ऊटी वो बहुत सारे फिल्म का पार्ट भी रह चुकी है, एंड डॉक्यूमेंट्रीज मीन्स जब भी जो भी फिल्म बनाई जाती है डॉक्यूमेंट्री, जो कि एक टॉपिक पे होती है, एक सब्जेक्ट पे होती है, ठीक है, तो उसमें टॉय ट्रेन का भी यूज़ किया गया है। अब फेमस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दिल से, यहाँ पे है एक सॉन्ग है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, नहीं अगर आप लोगों ने लिसन किया है तो आप लोग उसको लिसन कीजिएगा। वो मूवी है दिल से, ठीक है, विच वॉज पिक्चर्ड ऑन वेल नोन एक्टर, जो कि वेल नोन एक्टर एक्टर जो थे, ठीक है, उनकी पिक्चर है, पिक्चर थी जिसमें शाहरुख खान थे, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट शाहरुख खान, वॉज फिल्म ऑन दिस ट्रेन, ठीक है ना। तो जब वो सिंगिंग करते हैं, जब सिंगिंग करते हैं तो वो जो ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है, वो टॉय ट्रेन ही ट्रेन थी, ठीक है ना, टॉय ट्रेन थी जिसपे ये क्या करते हैं इसको अपने फिल्म का जो एडवर्टाइज है या सिंगिंग है इस पर किया गया था। अबाउट 5 लाख पीपल ट्रैवल एवरी ईयर इन दिस ट्रेन, और इस तरह से एवरी ईयर एटलीस्ट 5 लाख पीपल जो हैं वो लोग ट्रैवल करते हैं इस ट्रेन में 5 लाख लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, वेयर इन दिस ट्रेन, ट्रेन में। मैनी पीपल से दैट इट सीम्स लाइक नॉट मैनी पीपल से इट सीम लाइक नॉट मच हैज चेंज ऑन द रूट ओवर द पास 100 years एंड द सीन इज अ लवली एंड एक्साइटिंग एज एवर, मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि इस रूट में जो भी चीज़ें एक्साइटिंग एंड लवली चीज़ें हैं ऑन दिस रूट, इस रूट पर ओवर द पास 100 years मीन्स 100 year पास होने के बाद भी इनकी जो सीनरी है, इनकी जो सराउंडिंग है, जो लवली ट्रीज है, ठीक है, पेटल्स हैं, एक वो सब एक्साइटिंग है, मीन्स अभी भी वो सब लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, एक्साइटेड करती है वहाँ आने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है। अ राइड इन द टॉय ट्रेन टू ऊटी इज़ द बेस्ट वे टू डिस्कवर द टाइमलेस ब्यूटी ऑफ दिस एरिया, और ये जो टॉय ट्रेन की जो राइडिंग है, जो कि ट्रैवलिंग आप कह सकते हो, ये सबसे अच्छा रास्ता है टू डिस्कवर द टाइमलेस ब्यूटी ऑफ दिस एरिया, मीन्स कम टाइम में भी या इतने टाइम होने के बाद भी ये एरिया जो है बिल्कुल इफ़ेक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है, ये एरिया जो है बिल्कुल इफ़ेक्टेड नहीं हुआ है, और जो भी पर्सन आते हैं, पीपल आते हैं, वो हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं इस प्लेस को देख करके, और वाइल्ड ट्रैवलिंग टू दी ऊटी टॉय ट्रेन से जब वो ऊटी तक जाते हैं तो जो भी उनको चीज़ें उन्हें मिलती हैं वो सारी चीज़ें जो है वो अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, जो कि इस एरिया की हैं।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव स्पेलिंग बी. प्रैक्टिस स्पेलिंग दीज वर्ड्स. दिस ऑल दी वर्ड्स आर गिवन हियर विच आर फ्रॉम दिस स्टोरी. फर्स्ट, पॉपुलर, ट्यूनल, ब्रिजेस, किलोमीटर्स, इंजन, बॉगी, स्टेशन, डीजल ऑन बोर्ड एंड पैसेंजर. ये सारी आपकी वर्ड्स हैं जो कि आपको रीड करना है लाउड वॉइस में, और विद स्पेलिंग इनको आप लर्न भी करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जो कि आपका पेज नंबर 4 है. तो इसमें आज हम लोग MCQ एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, आज हम लोग MCQ एक्सरसाइजेस करेंगे. नेक्स्ट डे मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगी जो कि आप लोग को बोर्ड पे मिलेगा. ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिलेगा, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रीड एंड टिक द करेक्ट आंसर. क्या करना है, ये आपको रीड करना है और करेक्ट आंसर पे टिक करना है फ्रॉम दिस स्टोरी, जैसे कि आप लोगों ने स्टोरी रीड किया है. फर्स्ट है, टॉय ट्रेन टू ऊटी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ. टॉय ट्रेन जो है, जो कि जो ऊटी की है, वो डिस्टेंस को कवर करती है. कितना करती है, मैंने आप लोगों को बताया ना, एक्सप्लेन किया है ना. यस, 20 किलोमीटर्स, नो, 78 किलोमीटर्स, नो, वो 46 किलोमीटर जो है क्या करती है, 46 किलोमीटर वो डिस्टेंस को कवर करती है. 10 किलोमीटर भी आपका रॉन्ग होगा, 46 किलोमीटर होगा. ठीक है, जो कि 5 आवर्स तक ऊटी को जाती है. नेक्स्ट है, द टॉय ट्रेन टू ऊटी जर्नी थ्रो. टॉय ट्रेन ठीक है, जो टॉय ट्रेन जो है ऊटी की, उसकी जर्नी कितनी चीज़ों से होके जाती है, तो वो है ट्यूनल्स है, ब्रिजेज हैं एंड कॉप्स हैं. तो 16 ट्यूनल्स हैं, 25 ब्रिजेज हैं एंड 208 कॉप्स हैं. ठीक है, तो ये आपकी राइट हो जाएगी एंड ऑल द रिमेनिंग विल बी रॉन्ग. जैसे कि आप लोगों ने इस चैप्टर को रीड किया है, तो होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर कंप्लीटिंग दिस और यू ऑल हैव कंप्लीटेड दिस. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. व्हाइल गोइंग अप हिल मीन्स जब ट्रेन जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, द इंजन इज एट दी, तो इंजन किस साइड होता है, तो फ्रंट ऑफ द ट्रेन, नो, रॉन्ग, बैक ऑफ द ट्रेन, यस, वो इंजन जो है वो ट्रेन के बैक पीछे की तरफ हो जाता है. राइट साइड ऑफ द ट्रेन, ये भी रॉन्ग होगा. लेफ्ट साइड, ये भी रॉन्ग होगा. इवन वो आपका होगा बैक ऑफ द ट्रेन. ठीक है, नेक्स्ट है, टिल कुन्नूर द टॉय ट्रेन इज पुल्ड बाय मीन्स कुन्नूर तक जो ट्रेन जाती है, द टॉय ट्रेन इज पुल्ड बाय. टॉय ट्रेन किस चीज़ से उसको पुल करते हुए ले जाता है, इलेक्ट्रिक इंजन से, नो, डीजल इंजन से, नो, हॉर्सेस से, नो, स्टीम इंजन की हेल्प से वो उसको आगे की तरफ पुल करते हुए, उसको खींचते हुए ले जाता है. ठीक है, तो ये आप लोग की एक्सरसाइजेज है. आप लोग सबसे पहले आज जो एक्सप्लेन किया गया उसको रीड करेंगे, हार्डवर्ड एंड वर्ड मीनिंग अपने नोटबुक में राइट कर लेंगे. ठीक है, हार्डवर्ड एंड वर्ड मीनिंग नोटबुक में राइट कर लेंगे, इस एक्सरसाइज को बुक में कर लेंगे. एंड टुमारो वी विल डू दी क्वेश्चन आंसर, दिस 3 क्वेश्चन आंसर, ओके, इन नोटबुक. आई विल गिव इन नोटबुक. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड दी चैप्टर वेरी वेल टुडे एंड डू द रिमेनिंग एक्सरसाइजेज ऑफ दी चैप्टर इन योर बुक. अपने बुक में आप लोग जो एक्सरसाइजेस आप लोग पॉसिबल हो कर सकते हो, आप लोग उसको करते रहिएगा, ट्राई करते रहिएगा. ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स कम टू मीट ऑन द नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे.